हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई है, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर होता है उससे, ठीक है। ये छोटा ट्रांसफार्मर था मेरे पास 12012 का, ये इससे मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई है। ये देख सकते हैं, इसे एक्साइट करते हैं हम 12 वोल्ट की बैटरी से। ये 12 वोल्ट 7 एम्पेयर की बैटरी है, ये देख सकते हैं आप, ये मिट गया यहाँ पर, वरना ये यहाँ पे 12 वोल्ट और 7 एम्पेयर की ये बैटरी है, ठीक है। आप जानते होंगे इस बैटरी को। अब इससे हम इस ट्रांसफार्मर को, जो कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई है, ठीक है, इसके साथ हम इसको एक्साइट करेंगे और देखेंगे ये इस लोहे की पत्तियाँ हैं इसी ट्रांसफार्मर की, जिन्हें कि ये उठा पाता है कि नहीं। तो ये मेरे पास बड़ा वायर नहीं था, तो मैंने अपने मल्टीमीटर की वायर्स यूज़ की हुई हैं, ठीक है। तो हम इन्हें किसी पे भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है प्लस को प्लस पे, माइनस को माइनस पे। ये देख सकते हैं आप, मैं आपके सामने लगाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए स्पार्क भी कर रहा है, ये देखिए स्पार्क भी कर रहा है। अब ये देखिए, मैं इसको इस पे लगाऊंगा और मेटल की ये पत्तियाँ उठाऊँगा किसी मैगनेट के थ्रू। मैं देखिए आपके सामने लगा देता हूँ इसको, लगा दिया है। और अब मैं इसके थ्रू ये पत्तियाँ उठाऊँगा, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये पत्तियां मैंने उठा ली हैं। और अब मैं इन्हें हटा रहा हूँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए हटा दी सारी पत्तियां। और इसको लगाते हैं इस पर, ये सब ऊपर आ जाएंगे वापस, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये देखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगे। और हाँ, एक और बात, ये जो हमने यूज़ किया है ये कॉपर नहीं है, ये एल्यूमिनियम में था ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो हमने ये, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग अभी भी इसी के अंदर है, हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को यूज़ किया हुआ है, जो आपकी 12 वोल्ट के लिए होती है ना, उस वाली वायर को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने इसमें लगा दिया, ये देखिए हम इसे वापस प्लस में लगाते हैं, और इसको हम माइनस में लगाते हैं तो भी एक्साइट हो जाएगा और ये मैग्नेट बन जाएगा। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए। अगर आप कॉपर का ट्रांसफार्मर मिलता है तो उससे बनाइए तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि ये एल्यूमिनियम बहुत जल्दी हीट हो गया है, और ये हीट हो रखा है अभी बहुत तेज, ठीक है। अगर आपको कॉपर मिलता है तो और बेस्ट है, कॉपर की रेजिस्टेंस और अच्छी होती है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ वायर्स ये हिल रहे हैं, ये दोनों, इसकी वजह से ये इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इस तरह पकड़ के, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, चिपक गए, छुटा दिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लाइक अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।